देवरिया जिले के सदर सीट के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनमेजय सिंह का देर रात लखनऊ में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। भाजपा विधायक जनमेजय सिंह विधानसभा के मॉनसून सत्र में शामिल होने देवरिया से लखनऊ आए थे। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सदन में पहले दिन कार्यवाही में शामिल हुई थी। करीब 4 महीने पहले भी जनमेजय सिंह को माइनर अटैक पड़ा था। रात में उसकी तबीयत खराब होने पर पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद रात 10 बजे हालात बिगड़ी तो लोहिया संस्थान रेफर कर दिया गया। यहाँ मेडिसिन के डॉक्टरों ने देखकर कार्डियोलॉजी विभाग रेफर किया। देवरिया से ब्रजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। आकस्मिक देहांत हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा सरल स्वभाव के और मिलनसार ये हम लोग के विधायक थे और निश्चित तौर से बहुत बड़ा आघात पार्टी को और जनपद के सभी क्षेत्र के लोगों को हुआ है। और इनका जो व्यवहार और कार्यशैली था समाज के बीच में कार्य करने का तरीका, एक उदाहरण थे हम सबके। और निश्चित रूप से हम लोगों को ये कमी आजीवन खलेगा, ऐसा हम लोग का लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हम लोग के बीच से चला गया। और हम सब प्रयास करेंगे इनकी जो भावना था, जो एक क्षेत्र से लगाव था विकास को जोड़ने का, हम सब कार्यकर्ता मिलकर इनके विकास के काम करते हुए इनके निश्चित रूप से इनका सच्चा श्रद्धांजलि देने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। बेलघाट थाना अध्यक्ष ने पीस कमेटी की बैठक की है जिसमें सभी धर्म के गुरु व जनता उपस्थित रहे। थाना अध्यक्ष का कहना है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार त्यौहार पर गाइडलाइन जारी की है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा मीटिंग की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा। त्यौहार पर सार्वजनिक तरीके से ना मनाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद रहे उप निरीक्षक राकेश सिंह, उप निरीक्षक रूपेश पाल, उप निरीक्षक राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल जयप्रीत सिंह, कांस्टेबल अखंड सिंह, कांस्टेबल प्रीतम कुशवाहा एवं बेलघाट क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट, बेलघाट, गोरखपुर। सहजनवा थाना क्षेत्र के नरौली में रास्ते को लेकर हुई मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। इस बारे में एक पक्ष ने थाने में तहरीर दे दी है। स्थानीय थाना क्षेत्र के नरौली निवासी सुग्रीव मौर्य पुत्र श्रीराम ने प्रेषित तहरीर में कहा कि बृहस्पतिवार की रात में घर पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते के विवाद को लेकर मेरे आधा दर्जन विरोधी लोगों ने लाठी, कुदाल, फरसा आदि से मुझे मारपीट रहे थे। सभी झगड़े की सूचना पाकर मेरे चचेजात भाई वीरू व मित्र शिव प्रसाद मुझे बचाने आए तो विरोधियों ने दोनों लोगों को भी मारा पीटा, जिससे मेरा सर फट गया और जबड़ा भी टूट गया। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस ने घायलों को CHC सहजनवा भेजा, जहां से तीनों लोगों को जिले पर रेफर कर दिया गया है। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।